तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आर्के टेक्निकल। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, आपको लग रहा होगा कि मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये लुक दे दिया है मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन को। आप भी दोस्तों अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस, जी हाँ दोस्तों, रियलमी, ओप्पो, शाओमी, जो भी आपके पास डिवाइस है दोस्तों, उसमें ये लुक दे सकते हैं आईफोन 16 का। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चले जाना है प्ले स्टोर पर, देन दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है KLWP लाइव वॉलपेपर। जी हां दोस्तों, यहां पर देखने को मिल जाएगा। सभी का लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नोवा लॉन्चर बीटा एप्लीकेशन भी दोस्तों आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, इसको भी दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है। अदरवाइज दोस्तों इसका लिंक तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा ही दिया है। इसके बाद दोस्तों लोवा लॉन्चर को आपको सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसको दोस्तों ओपन करने के बाद आपको देखिए बाय डिफॉल्ट इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको बात आती है इसको सेट करने की। जी दोस्तों, इसकी सेटिंग्स पे चले आनी है। सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन देखेगा बैकअप एंड रीस्टोर का। तो बैकअप फाइल दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, वहां पर से जाकर आप नोवा लॉन्चर का बैकअप डाउनलोड कर लीजिए मेरे लिंक से। देन दोस्तों इसको आपको अप्लाई कर देना है अपने इस नोवा लॉन्चर पर। जी दोस्तों, जैसे ही अप्लाई करेंगे आप देख सकते कितना बेहतरीन आइकॉन बदल चुका है। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, पूरा सेटअप करके आपको दिखाता हूं किस प्रकार से आपका मोबाइल लगने वाला है इस सेटअप के बाद। जी हां दोस्तों, देखिए आइकॉन्स पूरी तरीके से दोस्तों आईफोन की तरह लग रहे हैं। अब दोस्तों अगेन आपको सेटिंग में चली जानी है, देन दोस्तों लुक एंड फील पे चली जानी है। यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको आइकॉन पैक का लिंक भी दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, वहां पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देन दोस्तों इस आइकॉन पैक को आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों ये वाला काम आपका हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब दोस्तों आपको कस्टम लाइव वॉलपेपर पे चले आना है। यहां पर से आने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको सेलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा। इस पे दोस्तों आपको से यूज दिस फोल्डर पे आकर दोस्तों एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जो फोल्डर आपका रहेगा दोस्तों एक कस्टम नाम से या फिर वॉलपेपर नाम से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं वॉलपेपर करके मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर ली। देन दोस्तों ऊपर में आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इंपोर्ट पे दोस्तों सिंपली से क्लिक करना है। देन दोस्तों परमिशन आपको अलाउ एक्सेस प्रोवाइड करा देनी है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको मैंने अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया दोस्तों, उस इंपोर्टेड फाइल को दोस्तों आपको सिंपली से सेलेक्ट कर लेना। कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट आप जैसे करेंगे दोस्तों इंपोर्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों इंपोर्ट होने के बाद दोनों फाइल्स आपको देखने को मिल चुकी है। एंड दोस्तों अगेन आपको नेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करा लेनी है। देन दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आपको लुक देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों इसको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर से आपको सभी परमिशन दोस्तों अलाउ एक्सेस प्रोवाइड करा देनी है इस KW लाइव वॉलपेपर के सेटिंग्स में जाकर। जी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप सक्सेसफुली हमारे ये सभी परमिशन अलाउ हो चुकी है कस्टम LWP पे। देन दोस्तों आप देख सकते हैं सभी परमिशन दोस्तों आपकी अलाउ होनी चाहिए। लोकेशन दोस्तों आपको एप्पल डिवाइस का एनेबल कर लेना है इस सेटिंग को करते वक्त। देन दोस्तों इसको कर लेना है सिंपली से सेव। सेव करने के बाद दोस्तों को ऑप्शन आएगा सेट एज वॉलपेपर करके, तो यहां पर से दोस्तों आपको सेट एज वॉलपेपर के क्लिक करना है। देन दोस्तों होम स्क्रीन लोकेशन भी आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों आपके डिवाइस को आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लोड ले रहा है। देन दोस्तों अब आपको एक चार पेजेस ऐड कर लेने दोस्तों प्लस के सिंबल पे क्लिक करके। जी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कुछ इस प्रकार से आएंगे। देन प्लस का सिंबल दिखेगा, प्लस पे आपको क्लिक कर लेना है चार बारी। अब जैसे प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका थीम अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरीके से आईफोन 16 का लुक आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों मेरे एंड्रॉइड डिवाइस में। जी हां दोस्तों, ये कोई भी सा आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है, रियलमी, ओप्पो, वीवो, श्योमी, जो भी आपके पास डिवाइस है दोस्तों ये में वर्क करेगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।